नमस्कार, मैं स्वेच्छा स्वागत करती हूं आप सभी का चंद संदेश टाइम्स में। तालिबान की अमेरिका को धमकी। जी हां, आपको बता दें कि तालिबान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की तारीख उनके लिए एक तरह से डेडलाइन है। तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सहित समस्त विदेशी सैनिकों की वापसी के लिए निर्धारित की गई तारीख 31 अगस्त हमारी तरफ से डेडलाइन है। तालिबान के इस प्रकार की प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान के बाद आई जब रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान से विदेशियों को निकालने में मदद करने के उद्देश्य से संभव है कि अमेरिकी सैनिक 31 अगस्त के बाद भी काबुल में मौजूद रहें। हालांकि कुछ अमेरिकी अधिकारी भी इस बात की संभावना व्यक्त कर चुके हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के निष्कासन की तिथि को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने साफ कहा है कि निर्धारित तिथि में किसी भी प्रकार के बदलाव का नतीजा अमेरिका को ही भुगतना होगा। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि 31 अगस्त अमेरिकी सैनिकों के लिए डेडलाइन है। इस तारीख को आगे बढ़ाने का मतलब है अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना फिर अपना कब्जा बढ़ा रही है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को इसके बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसी बीच यूरोपियन संघ ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान से जितने लोगों को निकालने की योजना बनाई गई है उसके हिसाब से उन सबको वहां से निकालने में अधिक समय लग सकता है। उल्लेखनीय है कि अब भी काबुल के हवाई अड्डे पर विश्व के कई देशों के नागरिक वहां से निकलने के लिए विमान के इंतजार में बैठे हैं। तो ये थी अफगानिस्तान पर हमारी विशेष खबर। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स और हमारे चैनल जनसंदेश टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।